इन दोनों रेखाओं को रखते हुए दिखते हुए देखते हुए आजू बाजू से अगर रेखाएं आकर इस ग्रह में ग्रह सीमा में पहुंच जाएगी, इसकी धन की खूबी बढ़ाने के लिए और भी धनवान बनाने के लिए रिसीवर अच्छे होने के कारण संपत्ति बढ़ रही है, सुख बढ़ रहे हैं, भोग बढ़ रहे हैं, तृप्ति बढ़ रही है। मगर धोखाबाजी करके अगर जिएंगे कमाएंगे तो नींद नहीं रहेगी बंधु। सही कमाइए, विश्वास कीजिए, हृदय की तृप्ति होगी। यहाँ एक कोट रहता है, मैं जो कमा रहा हूँ क्या वो न्यायपूर्ण है, नियमित है, कानून के अनुसार है, धोखा तो नहीं दे रहा हूँ ना, क्या इतने पैसे देने की शक्ति है उसमें। बहुत सारे प्रश्नों को अपने आप पर कर लेना चाहिए, उनका सही सच्चा जवाब मिल जाएगा तो कमा सकते हैं हम। भाई इस वृत्ति से भी हम कमा सकते हैं, करोड़पति आया है 5,000 देंगे, लीजिए आप, धनवान है, प्रेम से दे रहे, गौरव से दे रहे। पंडित जी आपके ज्ञान के लिए प्रणाम, आपने जो कुछ बताया एकदम 100% ठीक है, ले 5,000। अरे एक भिखारी नाई है, उनको भी हाथ पसार कर भाग्य पूछने का अधिकार है, आखिर वो भी तो एक जीव है ना, वो भी एक प्राणी है ना, वो भी एक जातक है ना, वो हाथ पसारे तो भाग्य बता दीजिए। आपका धर्म है वो, कर्तव्य नहीं धर्म है वो तो आपका, गरीबों को भी बताएंगे। 11 रुपये भी देगी तो मत लीजिए, नहीं बहन बेटे 1 रुपये भगवान के सामने रख कर जाओ, तृप्ति होगी, आंग भर की नींद, पेट भर खाएंगे, बस है। एक 5,000 देता है, एक 5 रुपये देता है, दो मसाबी है। उस पर कम भावना, इस पर उन्नत भावना, एकदम बेकार है। इसलिए तो मैंने कहा था कि मधुमक्खी भौंरे शहद लेते हैं फूल से, कहाँ तक कब तक फूल को नष्ट न हो, क्योंकि वही फूल फिर मधु देने के आधारित हैं। इस कारण फूल को नष्ट न हो उतना मधु ग्रहण कीजिए, जातक को नष्ट न हो उतना धन लीजिए। कमाना उल्टे सीधे रास्ते से कमाएंगे तो अरे भाई पाप आपको नहीं, आपकी संतान के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके पूरे परिवार के लोगों के लिए होगी। किसी को लूट कर कमाएंगे, एक बच्चा ऐसा निकलेगा आपको लूटेगा, चोरी का माल मोरी में, ऐसा मत कीजिए। धन कमाना, कुछ ऐसे लोग होते हैं धन उनके लिए प्रधान है, राइट, मेरे लिए भी प्रधान है, आपके लिए प्रधान है, प्रधान है, मगर धन ही प्रधान नहीं है, धन से भी प्रधान है गौरव। अगर गौरव ही नहीं है धन रहकर भी क्या फायदा, करोड़पति है कोई हावला है टेढ़े मेढ़े रास्ते से कमाया, लूट कर थी ना बेचारी, डुबो कर कमाया उसने, लावारिस थी बेचारी, आ गई, उस महिला के लिए खाना तक नहीं दिया, उसका निधन हो गया, पूरा धन इनको आ गया, अब राजा बन गया, टांग पर टांग नाल पर गाड़ियों पर चल रहा, उसका गौरव नहीं होता, क्या फायदा। बिना गौरव के, बिना तुम्हारी इज्जत के ये दौलत क्या करेंगे आप। इज्जत प्रधान है, ऐसा कमाइए गौरव के साथ, धन के साथ गौरव धन को भी मिलाइए, तब तृप्त रहेंगे बंधु। इनकी गतिविधियां बहुत सी हैं, फिर आप उन गतिविधियों की ओर चलेंगे बंधु। ये देखिए बस, सदा इस ग्रह पर्वत की ओर देखिए, मैंने कहा कि स्थिर रेखाएं, स्थायी रेखाएं, यानी सागर समझे ना उसे, और इधर से जितनी भी रेखाएं निकलकर इसमें पहुंचती है ये नदियां हैं,
नदियों में भी पानी रहता, वो भी धन है। ये नदी जाकर सागर में मिलता है, सागर में अधिक पानी आ जाते हैं। सागर में अधिक क्या कम क्या, वो स्वयं सागर है। इस कारण जितनी भी नदियां बहती हैं तो सागर भरपूर उथल पुथल लहरें तरंगे बहुत सब कुछ रहते हैं उसमें, निरंतर एक प्रकार का स्पंदन रहता है उसमें। तो इसमें ग्रहण करने की शक्ति वाली रेखाएं हैं ये दो रेखाएं होना, एक या दो रेखाएं होना अत्यंत आवश्यक है। समझे कि यहां से एक रेखा निकली और उसकी पहचान यहां पर पहुंचने से सीधी चलती है, जो मूल रेखा है, जो स्थान रेखा है, जो स्थाई रेखा है, उससे जाकर मिलती है। मानो ये एक ही रेखा है, वो एक ही रेखा नहीं, ये रेखा जाकर सीधी उससे जाकर मिली है, स्थाई रेखा यही। चाहे भाग्य रेखा हो ना हो परवाह नहीं, इस रेखा का होना तो अत्यंत आवश्यक है। दो रेखाएं हों तो और भी अच्छा, एक रेखा से तृप्ति, दो रेखाओं से और भी तृप्ति, तृप्ति तृप्ति संतृप्ति। बस ये सब क्या काम कर रहे हैं, नदियों का काम। गाड़ी चल रही है, पीछे से हवा बह रही है, वेग भर रहा है, वेग, ये पीछे से हवा हो ना हो, जरा चढ़ाए अपने बंडी को, अपनी गाड़ी को, बस वेग भर ही लेता है अपने आप। तो इस कारण बाकी जहां कहीं से भी आ जाए रेखाएं या वहां पहुंच जाए तो समझना चाहिए कि सहायकारी रेखाएं, ये धन तरंगे हैं, धन किरणें हैं, धन चित्र हैं, धन मानपत्र है, ये स्थाई रेखाएं। मैंने बताया कि यदि धन रेखा हो और यहां से एक रेखा यहां से आकर चलती है तो जातक घर बसाई करके या ससुराल से या स्त्री से या दत्तपुत्र के रूप में जाने से धन प्राप्त हो सकता है, उनकी जायदाद जितने भी इनके हक हो जाएंगे, इनके अधीन हो जाएंगे। यहां से जो रेखा आती है भार्यार्जित है वो, यहां दो रेखाएं हैं तो पित्रार्जित पूर्वार्जित, जीवन रेखा से निकली तो स्वार्जित, यहां से अगर रेखा निकलती है दूसरे मंगल से कोट से जो धन मिलता है सो, यहां से वही फल है पहले मंगल स्थान से निकलने से, कोट के दावा करने के बाद जो जायदाद मिलता है। इतना ही नहीं, सैनिक वृत्ति के अधिकारी होने के कारण, रक्षण शाखा विभाग के अधिकारी होने के कारण काफी धन संपत्ति होती है। ये भी हो सकता है केवल कोर्ट के आना द्वारा ही नहीं, मंगल कारक किसी कारण से भी धन की प्राप्ति होती है तो वह मंगल स्थान से आती है या इस रेखा से मंगल स्थान चलती है। तो कभी कभी क्या होती, ये रेखा है यहां गई है, इसके बाजू से एकदम दूसरी रेखा भी चलती है, एकदम निकट, मगर परिसमाप्त तो इसी ग्रह में होना चाहिए। कहीं नहीं मिल रहे हैं, दो के दो जाकर वहां मिल रहे हैं, पित्रार्जित पूर्वार्जित नहीं, जरा अंतर रहता, मगर एकदम निकट जाने के कारण समांतर रेखाएं कहते हैं। अंतर तो रहता है मगर समरूप से चल रहे हैं, एक से एक नहीं मिल रहे हैं, यानी इनकी भी संपत्ति है, पूर्वार्जित संपत्ति है, या जरा इधर मुड़ी हुई है तो स्त्री संपत्ति है, यानी जातक भी नौकरी करके कमाएगा, उनकी धर्मपत्नी भी नौकरी करके कमाएगी, या जातक व्यापार करेगा, इनके नाम पर एक कपड़ों की दुकान खोली जाएगी पत्नी के नाम पर, उसकी कमाई जितनी होगी उसके पास जितना धन होगा इसके पास भी उतना ही धन होगा, दोनों का धन मिलकर बहुत धन होगा,
समांतर रूप जाने से, जरा दूरी होने से पूर्वार्जित पितार्जित, पूर्वार्जित क्या पितार्जित क्या, पूर्वार्जित पिता को प्राप्त होगा, पिता से हमें प्राप्त होगा, बस उतना ही। पूर्वार्जित पितार्जित दादा दोनों समानार्थक ये हैं।